गुड मॉर्निंग एलके जी। आज हम लिखेंगे ह से हल। हल होता है जो किसान अपने खेत में चलाता है, जिससे कि जमीन की अच्छी खुदाई हो जाती है। फिर उसमें बीज डालते हैं, पौधे उगते हैं, गेहूं, चावल, सब्जियां उगती हैं जो हम खाते हैं। तो इसको बोलते हैं ह से हल। ओके, अब देखो ह लिखने के दो तीन तरीके होते हैं। ह लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ह इतना इजी नहीं होता। चलो देखें अपन कैसे लिखें। एक तो सिंपल वाला ह बता रही हूं आपको। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाओ, जैसे अपन घ से घर लिखते हैं ना, ऐसा। बस ये 1 और ये 2 ऐसे बना दो, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। जैसे उल्टा 3 बनाते हैं या घ से घर लिखते हैं, वैसा बना के छोड़ दो। ये होता है ह से हल। एक अच्छा वाला ह बनाना है आपको और सुंदर, तो आप स्टैंडिंग लाइन बना के इसको ऐसे करके यू कर्व बनाइए, मोड़िए इसको। जैसे इससे इमली बनाते हैं ना अपन, वैसा थोड़ा सा मोड़ना है, फिर हाथ हटाना है और इसको यू नीचे यू खींचना है। तो ये बनता है ह से हल। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। ओके, एक तो ऐसे भी लिख सकते हो और एक ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। चलो हम ये वाला सीखते हैं वापस से। स्टैंडिंग लाइन, या आपने इसे इमली की तरह बनाया लेकिन पूरा नहीं किया, यहां पे स्टॉप कर दिया, फिर यहां से इसको ऐसे गोल बनाया। सुंदर बनता है ये बहुत, थोड़ी प्रैक्टिस करना, बहुत ब्यूटीफुल बनता है। इसमें एक बार आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी बीच में। ठीक है, ये यूं किया, ये ऐसे गोल, उसके बाद पेंसिल उठा के ऐसे कर्व करेंगे। ह से हल, ह से हाथी। स्टैंडिंग लाइन एक के जैसे बनाया, यहां स्टॉप कर दिया, यहां से फिर से जॉइनिंग करी यूं। ठीक है, यहां से जॉइनिंग करनी है, इस पॉइंट से वापस से जॉइन करके बनाना है। ठीक है, ह से हल। फिर से देखो स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व, यहां से जॉइनिंग करनी है, गोल घुमा के कवर करना है, जैसे इसको यूं नीचे ले जाना है। ह से हल। इसको लिखने में आपको मेहनत लगेगी, ध्यान से देख देख के सोच सोच के लिखिए। ओके, टेक केयर।